बिसम रिम असल हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल आज जो स्टोरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू वुमेंस राइटिंग अ पेयर ऑफ जीन्स बाय केसरा शराज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है और इंटरेस्टिंग भी है इस शॉर्ट स्टोरी में हम टाइटल सिग्निफिकेंस केसरा शराज की शॉर्ट बायोग्राफी सेटिंग करेक्टर्स और समरी को डिस्कस करेंगे सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड केसरा शराज जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1958 है और ये इंग्लैंड में रहती है शी हैज़ लिव्ड इन मैनचेस्टर सिंस नाइन जब ये नौ साल की थी तब इसने मैनचेस्टर मूव किया था शी ऑफ थ्री डिग्रीज़ इसने तीन डिग्री जो है हासिल की है बी एनर्स इन इंग्लिश लिटरेचर क्लासिकल सिविलाइजेशन फ्राम द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर एज़ वेल एज़ टू मास्टर्स डिग्रीज़ इन यूरोप लिटरेचर एंड स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ सेल फोर तो ये डिग्रीज़ इसके पास है शी इज़ आल्सो अ स्क्रीन राइटर ये एक स्क्रीन राइटर भी है शी वर्क एज एन एडवाइज़र फ़ॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ लैंकेस्टर एज़ वेल एज़ अज इंस्पेक्टर एंड जर्नलिस्ट तो इसने कॉलेज इंस्पेक्टर और जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया है शी आल्सो ऑपटेंड हायर डिग्री इन इस्लामिक स्टडीज़ अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसने इस्लामिक स्टडीज़ में भी डिग्री हासिल की है ताकि इसे कल्चर रिलीजिय और हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव का पता हो शी इज़ स्ट्रॉग मम्बर ऑफ द पाकिस्तानी कम्यूनिटी इन द यू के ये पाकिस्तानी कम्यूनिटी के एक स्ट्रॉग मम्बर है लाइक यू के में थ्रू द ब्रिटिश काउंसल शी हेज़ होस्टेड मैनी वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग सेशनस टू ऑन क्वालिटी एजुकेशन इन पाकिस्तान ब्रिटिश गवर्मेंट की हेल्प से इसने बहुत से लाइक जो वर्कशॉप होते हैं वो होस्ट किए हैं इस्पेशली पाकिस्तान में किस चीज़ के बारे में क्वालिटी एजुकेशन के बारे में एंड इंडिया दोनों मतलब दोनों मालिक में क्वालिटी एजुकेशन की बात करती है हर वर्क इज़ मोस्टली फोकस्ड ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ मैन मैन काइंड एक्सप्लोरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ रेशियल जेंडर एंड कल्चरल डिवाइड ये इसके जो वर्क थे उसमें आपको ज़्यादातर ये थीम्स देखने को मिलते हैं ठीक है रेशियल जेंडर और कल्चरल डिवाइड्स इन 2006 2016, सिक्स टू थाउजेंड सिक्सटीन शी ऑन द लाइफ टाइम अचीवर एवॉर्ड एट द नेशनल डाइवर्सटी एवॉर्ड्स हेल्थ एट लिवरपूल्स एंग्लिशन कैथीड्रल शराज केसरा शराज रोड्स ऑन वुमेंस इशूज़ एंड इंस्पायर्ड बाई ऑर्डनरी पीपल बट नैवर यूज़ दम एज फिक्शनल करेक्टर्स इन हर बुक्स और मजे की बात यह है कि इसके जितने भी करेक्टर्स हैं वो कोई फिक्शनल करेक्टर्स नहीं होते बल्कि ये ख़ुद उन करेक्टर्स से लाइक उन से इंस्पायर होती है उस करेक्टर्स को लाइक उसने सामने से देखा होता है तो आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जो हमारी शॉर्ट स्टोरीज़ होती है या नावल्स होते हैं ये सारे फ़िक्शनल होते हैं लेकिन इसके वर्क में सब कुछ डिफरेंट होता है इसी तरह डॉन न्यूज़पेपर में इसने कहा था कि आई नेवर यूज़ रियल पीपल इन माई बुक्स कि मैं अपने बुक्स में कभी भी रियल लोगों को यूज़ नहीं करती आई डोंट थिंक इट फेयर टू देम टू बी फिक्शनल करेक्टर्स और मैं ये नहीं बेहतर समझती कि ये जो रियल पीपल है इसको मैं फिक्शनल करेक्टर्स के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकूं। केसरा शराज हैज बीन पब्लिश्ड इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स इंक्लूडिंग द टाइम्स तो इसको जो है डिफरेंट जो वर्क्स है इसके डिफरेंट चीज़ों में लाइक जो न्यूज़पेपर है या जो मैगजीन्स है उसमें पब्लिश हुए हैं औरजिनली शी कंसनट्रेट ऑन शॉर्ट स्टोरीज़ बट प्रोग्रेस टू राइटिंग लॉन्गर वर्क पहले इसने शॉर्ट स्टोरीज़ पर फोकस किया था फिर इसने लाइक जो लॉन्गर वर्कस होते हैं वो लिखना स्टार्ट किए जिसमें नावल्स आते हैं हर नावल द होली वुमेन वॉज पब्लिश इन मल्टीपल कंट्रीज़ एंड तो ये जो इसका नावल है द होली वूमेन ये मुख्तलिफ़ ममालिक में जो है पब्लिश हुआ है और मख्तलिफ़ लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया है शीरोट ड्रामा सीरियल दिल है तो है ये एक ड्रामा सीरियल है अगर आपने देखना है तो सर्च कर लें और इसे भी इस ड्रामे के ये पाकिस्तान टेलीविज़न पर पब्लिश हुई थी और इसकी वजह से इसे जो है लाइक नॉमिनेट किया गया था इस ड्रामे की वजह से फाइव एवॉर्ड्स इन पाकिस्तान टेलीविज़न एंड रिसीव टू एवॉर्ड्स हर अर्ली क्रिएशन अफेयर ऑफ जीन्स वॉज़ पब्लिश इन द यू के इन नाइनटीन एटी एट और ये जो इसकी शॉर्ट स्टोरी है अफेयर ऑफ जीन्स ये यू के में पब्लिश हुई थी नाइनटीन ऐटी एट में इट एक्सप्लोर द इशू ऑफ क्लोथिंग अच्छा आप ओबियसली इसके जो आ, टाइटल है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं के जीन्स की बात हो रही है मतलब पेंट शर्ट की बात हो रही तो क्लोथिंग यानी फीमेल मॉडस्टी की बात होगी मल्टीपल आइडेंटिटीज़ एंड कल्चरल प्लेशेज़ In 18, uh, 1989, it was picked by a German professor editor uh, yeah, Dr. Liesel Hermans as a literary text to be used in German schools for the German. So this text ko jo hai German schools are in 1989. Mein. She has been active in Kirkian in integrating the DC International Book Fair, and she also uh, she was appointed member of the Order of the British Empire in the 2020. बर्थडे ऑनर्स फॉर सर्विसज़ टू जेंडर इक्वाली एंड कल्चरल लर्निंग ये इसके जो मुख्त लाइक वर्कस वगैरह जो इसने लिखे हैं जो इसने ख़दा सर अंजाम दिए हैं सो उसके इसको लाइक डिफरेंट प्राइजेज़ या डिफरेंट अवॉर्ड्स मिले हैं अब अगर इस शॉर्ट स्टोरी के टाइटल सिग्निफिकेंस की बात करें सो द टाइटल ऑफ़ द शॉर्ट स्टोरी इज़ अ फेयर ऑफ जीन्स नाइनटीन एटी एट में ये जो स्टोरी है पब्लिश हुई थी द टाइटल इंडिकेट्स दट इट वॉज इन दिस ईयर जीन्स वो आर गेटिंग मोर पॉपुलर तो ये किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नाइनटीन एटी एट में ये जो जीन्स हैं ये जो आप लोग पहनते हैं ठीक है तो उस वक्त इसे बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली थी एंड फेमस जीन्स आर सिम्बोलिक ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड और ये किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है ओब्वियसली जीन्स जो है ये वेस्टर्न वर्ल्ड यानी जो वेस्ट हेल्थ के लोग हैं उनको रेफ़र करता है अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि जीन्स जो है ये बेसिकली बनाया गया था सर्दियों के लिए ठीक है लेकिन हमारे यहाँ आपने देखा होगा पाकिस्तान में कि लोग इसे गर्मियों में भी पहनते हैं सर्दियों में तो चलो खैर है पहन ले लेकिन ना इन्हें गर्मी का पता है ना सर्दी का जब दिल चाहे पहन लेते जीन्स का जो पर्पस जीन्स बनाने का मकसद यही था कि इसे सर्दियों में पहना जाएगा क्योंकि ये टाइट होते हैं इट्ज़ अबाउट अ गर्ल हु इज़ वेयरिंग अफेयर ऑफ़ जीन्स तो ये स्टोरी किसके बारे में एक कि एक ऐसी लड़की के बारे में है जो जीन्स पहनती है जीन्स आर शोइंग द कल्चरल डिफ्रेंस बिटवीन इंडियन मुस्लिम कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर तो ये आपने लाइक like, हमारे मुल्क में क्या होता है चाहे इंडिया हो पाकिस्तान हो ये ममालिक हैं लाइक like, बांग्लादेश मालदीव ये ममालिक जीन्स वगैरह को प्रेफर नहीं करते या यहाँ पर शलवार कमीज पहनी जाती है साड़ी वगैरह पहनी जाती है और डिफरेंट जो ड्रेसिज uh, होते हैं चाहे वो के पी के हो बलूचिस्तान के हो सिंध के हो या आ, पंजाब के हो कश्मीर के हो गिलगित के हो सो so, इनके अपने ड्रेसेस होते हैं लेकिन इन्होंने कभी भी जीन्स को प्रेफर नहीं किया है इट मींस दोज ड्रेसेस आर मोर अट्रेक्टिव देन दिस जीन्स खैर ये तो हमारी राय है लेकिन आप अगर किसी वेस्टर्न से पूछेंगे तो वो आपको यही कहेंगे कि भाई जो हमारी चीज़ है वो बेहतर है आप लोगों की चीज़ों से सेटिंग इस स्टोरी uh, की अगर सेटिंग की बात करें इसकी जो सेटिंग भी वो अरबन एरिया में हुई है ठीक है मेंशनिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी में लाइक इसको मेंशन किया गया एक यूनिवर्सिटी भी मेंशन की गई है और बस स्टॉप पे इसकी सेटिंग हुई है ठीक है एंड हाउस हैज़ बीन मैंशनड और एक घर मैंशन किया गया है इट कुड बी एनी लार्जर टाउन इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड सच एज़ बर्मंगम तो इसकी जो सेटिंग है वो बर्मंगम में भी रखी गई है और ब्रेडफोर्ड ऑल ऑफ देम हैव अ लार्ज पॉपुलेशन विद अच्छा ये ऐसी जगह जहाँ पे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा रहते हैं बर्मंगम और ब्रेड ब्रेडफोर्ड बट द दिग्निंग टेक्स प्लेस इन साइड द होम्स ऑफ द टू पाकिस्तानी फैमिलीज़ लेकिन जो इसकी शुरुआत होती है वो हमेशा सॉरी हमेशा तो नहीं लेकिन इसकी जो शुरुआत होती है स्टोरी की वो पाकिस्तानी घर से होते हैं मतलब दो फैमिलीज़ के घरों से होती है नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड अब अगर करैक्टर्स की बात करें सबसे पहला करेक्टर जो प्रोटोगनिस्ट है ये पूरी स्टोरी इसी एक करेक्टर के रुझे घूमेगी सबसे पहला करेक्टर है मरियम मरियम जो है स्टोरी की प्रोटोगनिस्ट है और एंड द करेक्टर अपॉन होम द स्टाइल ऑफ थर्ड पर्सन नरेटर परस्पेक्टिव तो ये थर्ड पर्सन नरेटर परस्पेक्टिव से जो है ये ने, स्टोरी नरेट की जाएगी प्रीडोमिनटली फोकस शराज जो कैसरा शराज पोट्रेज मरीम एज अ सिंपल अच्छा केशरा शराज ने इस करेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया है सिंपल रिप्रेजेंट किया है मॉडस्ट चेयरफुल एंड रिबेलियस करेक्टर और एक बागी जो करेक्टर होता है उसके तौर पर रिप्रेजेंट किया है अच्छा एक किस्म का कंट्रास्ट कंट्रोडिक्शन भी शो किया गया एक आप एक साइड पे कहते हो कि सिंपल है दूसरी साइड पे आप कहते हो कि चेयरफुल भी है मॉडस्ट भी है और रिबेलियस भी है मींस बगावत भी करती है दैट इट वोक्स एन इंडिविजुअलिटी ऑफ हर ओन यंग मुस्लिम गर्ल और ये एक यंग मुस्लिम गर्ल है रहती इंग्लैंड में है जीन्स पहनती है सब कुछ उनका फॉलो करती है लेकिन है मुस्लिम ठीक है कौन मरियम फातमा फातमा जो है मरियम की मदर है और ये जो है गुड फ्रेंड है किसकी बेगम की बेगम एंड एयूब ये हस्बैंड वाइफ हैं ये इन लॉज हैं ससुराल वाले हैं किसके मरीम के एंड द पेरेंट्स ऑफ फारूक फ़ारूक जो है बेगम और अयूब का बेटा है एंड फार एब टाइज हमसेल्फ इन इस्लामिक ट्रडिशन ये भी इंग्लैंड में रहते हैं लेकिन इन्होंने अपने आप को टाई रखा होता है मीन्स अपने आप को बांधा होता है इस्लामिक ट्रडिशन के साथ इस्लाम को ज़्यादा फॉलो करते हैं फारूक सन ऑफ बेगम एंड एयूब फैंसी ऑफ मरीम एंड नो एक्टिव करेक्टर इसका इतना ज़िक्र नहीं आता लेकिन यह शो किया गया है पूरे स्टोरी में कि ये जो है जो मरीम है उसके हस्बेंड है अब दोस्तों यहाँ से हमारी समरी स्टार्ट होती है मैं एक एक वर्ड रीड आउट करूँगा आप लोगों के लिए और एक एक चीज़ समझाऊँगा आप लोगों तो ने गौर से सुनना है करेक्टर्स अगर आपको समझ आए हैं तो ये स्टोरी जो है इस पूरी स्टोरी में यही करेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमेगी ये पूरी स्टोरी अ फेयर ऑफ जीन्स इज़ अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय अ पाकिस्तानी नावलिस्ट के सराशराज दैट फोकस ऑन अ यंग पाकिस्तानी मुस्लिम वूमेन एज शी स्ट्रगल्स टू ऑसोलेट बिटवीन द गैप ऑफ कल्चरल डिफरेंस दैट दैट कन्फर्नसर इन हर होस्ट कंट्री इसकी होस्ट कंट्री कौन सी है ओबियसली पाकिस्तान है ठीक है तो ये पस चुकी है ये लड़की जो है मरियम जो है ये पस चुकी है किस वजह से क्योंकि वहाँ पे ये जीन्स पहनती हैं और यहाँ पे ये वो चीज़ नहीं कर सकती अगर पहनेगी तो लोग उसे लाइक बुरी नज़र से देखेंगे ठीक है लोग यहाँ पे इन चीज़ों के आदी नहीं हैं द शॉर्ट स्टोरी रिकॉल्स थ्रू अ थर्ड पर्सन नरेटिव और इसको नरेट करने थर्ड पर्सन जो है थर्ड पर्सन के परस्पेक्टिव से जो है नरेट किया जाता है द क्लैश बिटवीन द कल्चरल डिविजन्स ऑफ वेस्टर्न एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़ वेस्ट और ईस्ट की ट्रेडिशन या जो कल्चर है उसकी बात की गई है इम्बॉडिड बाई द होस्ट कंट्री एंड होम कंट्री होम कंट्री मरियम की कौन सी है इंग्लैंड है और होस्ट कंट्री कौन सा है पाकिस्तान है ये ओबियसली इंग्लैंड में रहती हैं ठीक है थीके? लेकिन फिर ये पाकिस्तान मूव करती है और क्यों मूव करती है वो आगे हम जब समरी डिस्कस करेंगे समरी तो डिस्कस कर रहे हैं आगे जो स्लाइड्स उसमें आपको समझ आ जाएगी रिस्पेक्टिवली थेयर ऑफ जीन इंगेज विद द थीम्स ऑफ एन आइडेंटिटी क्राइसिस इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस की बात होगी अकम्पनीड बाई एन एक्सटेंशनस्ट क्राइसिस एलिनेशन एंड रूटलेसनेस द शॉर्ट स्टोरी बिगेन्स बाई इंट्रोड्यूसिंग द प्रोटोगस्ट मरियम शॉर्ट स्टोरी की शुरुआत होती है जब मरियम को इंट्रोड्यूस किया जाता है

होके मतलब स्लोली जब आप अपने साथ बात करते हो तो इसको हम लाइक इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ी तो उसमें आपने इंटरपर्सनल और इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन पढ़े होंगे इसको हम इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं जब आप अपने साथ ख़ुद बात करते हैं जैसे आपको कहा जाता है कि अगर आपने स्पीकिंग इंप्रूव करनी है तो आपने शीशे के सामने खड़ा होना है और अपने साथ बोलना है ठीक है तो इसको इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं खैर ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी अब जब ये बस से उतरती है तो मरवरिंग कर रही होती है ठीक है और इसके माइंड में एक चीज़ चल रही होती कि मैं लेट हो गई हूँ और वो लोग आए होंगे अब वो लोग कौन हैं वो आपको आगे पता चल जाए ऐसी वॉक थ्रू द स्ट्रीज दैट लीड्स टू हर हाउस फिर ये स्ट्रीट से वॉक करती है जो इसके घर की तरफ़ जाते हैं वो रास्ते शी बिकम्स मोर एंड मोर कॉन्शियस एंड वरीड अबाउट हर क्लोथिंग अब जब इसने जो चीज़ पहनी है ना ये जो ड्रेसिंग ये जो ड्रेस इसने पहना है मीन्स जीन्स पहना है तो इससे इसकी भी फिक्र है ये इस वजह से भी परेशान है अयर ऑफ जीन्स विद शॉर्ट वेस्ट एंड अ जैकेट अच्छा इसने कुछ ऐसे कपड़े पहने जिससे इसका इवन जिसम नजर आता है ठीक है तो ऊपर एक जैकेट शॉर्ट जैकेट पहना है लाइक बनियान टाइप है बट एज सुन एज शी रीच द गेट्स ऑफ हर हाउस जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचती है शी इज़ कन्फ्रंटेड कोल्डली बाई हर फ्यूचर इन लॉस बिकॉज दे आर शॉक टू सी देयर डॉटर इन लाइस इन सच वेस्टर्न अटायर अटायर मानी कपड़े लाइक जो पहनना वगैरह कहते हैं मीन्स जब आप डिफरेंट ड्रेस पहनते हो तो जब ये वहाँ पहुँचती है तो इसके जो ससुराल वाले होते हैं वो वहाँ पहुँचे होते हैं अभी रिश्ता फिक्स नहीं होता ठीक है जैसे मैंने यहाँ पता है दे वर कमिंग दे वर कमिंग से मुराद इनके ससुराल वालों की बात हो रही है ये जो पॉइंट है तो जब जैसे ये घर पहुँचती है तो इनके ससुराल वाले बेटे होते हैं और वो इसको दे हैरान हो जाते हैं क्यों हैरान होते हैं वो सोचते हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है मीन्स इसने जो ड्रेस पहना होता है एज आई एट कि इसका जिसम नज़र आ रहा होता है बर्निंग विथ एम्बेरसमेंट है ट्रबल लुकिंग इन टू देयर आइज़ अब ये क्या है इवन तो मरियम बर्निंग विध एम्बेरसमेंट मरियम जो है वो शर्मिंदा भी है तभी कैसरा शराज ने आपको स्टार्ट में बता दिया कि ये करेक्टर ऐसा करेक्टर है मोडस्ट लाइक सिंपल भी है मॉडस्टी भी है इसके अंदर और एक किस्म की रबेलियस करेक्टर भी है तो यहाँ पर यह क्या कर रही है यहाँ पर यह शर्मिंदगी महसूस कर रही है और तकलीफ में है क्योंकि वो जो लोग हैं जो उधर बैठे हैं जो इसके ससुराल वाले वो बड़ी अजीब नज़रों से उसको देख रहे होते हैं शी ग्रेटिड दैम वो उसे सलाम करती है मरियम जो है अपने ससुराल वालों को सलाम करती है ओनली टू रिसीव अ अम्बर ग्रेटिंग एज अ रिस्पॉन्स और इसके जो ससुराल वाले हैं वो बड़े ही स्लोली लाइक वालेकुम सलाम कहते हैं ठीक है जैसे आप किसी पे तंज करते हो ना जब आप कोई सलाम करता है तो आप उसको बड़ा अजीब जवाब देते हो उसे पता चल जाता है कि आपने इस चीज़ का रिस्पॉन्स या जो सलाम का जवाब है वो सही तरीके से नहीं दिया इट मीन्स यू आर नॉट हैप्पी विद मी सो सेम टू सेम इसके जो ससुराल वाले हैं वो भी इसकी इस होलिये को देख के इसकी इस हरकतों को देख के वो भी खुश नहीं थे इसीलिए उन्होंने सलाम का जवाब आहिस् आए, आहिस्त से दिया था एज इंटर दाउज ऑल ऑफ देम आर वेलकम बाई मरियम्स मदर फातमा हु गेट्स ए नदर शॉक फ्राम अटायर ऑफ हर डॉटर जैसे ही वो घर इंटर होती है और मरीम की जो मदर है वो उसे वेलकम अब यहाँ पे उनके ससुराल वालों की बात हो रही ठीक है तो जो मरीम की मदर है फातमा वो सब को वेलकम करती है और अपनी जो बेटी है उसको कहती है कि जाओ ये कपड़े उतारो और दूसरे कोई अच्छे से कपड़े पहन के नीचे आ जाना Usually फातमा does नॉट bother हर डॉटर फॉर वेयरिंग सच clothes बट today शी was waving हर ओन daughter's appearance through थ्रू द लेंसेज ऑफ़ हर फ्यूचर इन लॉज एंड एवरी थिंग अबाउट हर क्लोथिंग अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि कभी भी यानी जो फ़ातिमा है जो मरीम की माँ है उसने कभी भी मरीम को नहीं रोका ऐसे कपड़े पहनने से लेकिन आज पता नहीं फ़ातिमा को क्या हुआ मतलब जो मरीम की माँ है फातिमा उसे पता नहीं क्या हुआ उसे वो कहती है मरीम को कि जाओ ये कपड़े चेंज करो और कोई अच्छे से कपड़े पहन लेना क्योंकि आपके ससुराल वाले आने वाले हैं ये आपके ससुराल वाले आ चुके हैं दूसरे रूम में हैं तो आपने अच्छे कपड़े पहनने और उनको लेकिन इनकी मुलाकात ऑलरेडी हो चुकी है इनके माँ को नहीं पता कि इनकी मुलाकात हो चुकी है अब ये जो है यहाँ पे नहीं बताती जो फातिमा है सॉरी जो केस ये क्या कहते हैं यार मरीम मरीम जो है ये इसको नहीं पता मतलब अपनी माँ को नहीं बताती कि मैं उनसे ऑलरेडी मिल चुकी हूँ खैर स्पेशली द सबटेल एंड ट्रांसपेरेंट फ्लैश ऑफ स्किन विजिबल थ्रू हर डॉक्टर्स वेस्ट वर लुकिंग रियली बैड एंड डिसग्रेसफुल कहते हैं कि इसके जो जो कमर थी जो मरियम की जो कमर थी वो नज़र आ रही थी और इवन वो बहुत बुरी तरह नज़र आ रही थी ये डिसक्रेसफुल मींस कोई अच्छे तरीके से या जो इसकी माँ थी उसे भी पसंद नहीं आया कि मेरी बेटी इस तरह नज़र आए Fatma सब क्लिच एक्सचेंज सिग्नल्स टूवर्ड्स हर डॉटर एंड her हर of ऑफ clothing क्लोथिंग एंड her to change. चेंज तो ये इसको कहती है मरियम को कि जाओ चेंज करके आओ मरीम ओनली रिवील टू स्केप फ्राम दसव एंड डर क्लेंसिस क्विकली गोज टू हर रूम टू चेंज इन टू समिंग प्रेफर फॉर हर फ्यूचर इन लाज स्पेश ट्रेडिशनल इटा है तो ये ऊपर कमरे में जाती है और कुछ ऐसा पहनती है ताकि जो अपने ससुराल वाले हैं जो आने अपकमिंग ससुराल वाले हैं उनको इंस, इंस्पायर कर सके अपनी ड्रेसिंग से कोई ट्रेडिशनल ड्रेस जो है वो पहने की अब Inside her room, Maryam listens to herself debating against donning such tight and Western clothes. अब अगेन मरियम अपने साथ बातें कर रही है कि क्या यह ज़रूरी है कि मैं जब इनके साथ मिलूँ तो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनूँ एन इंटायर क्लियरली नॉट मैंट बट फॉर एनी मुस्लिम गर्ल बट एट सेम टाइम एंग्री अबाउट फीलिंग एम्बेस्ड एंड होल्डिंग हर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ मेयर फीस ऑफ क्लॉथिंग एक साइड पर यह खौफजदा है दूसरी साइड पर यह शर्मिंदगी भी फील करती है कि मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे अपने ससुराल वालों से इस तरह नहीं मिलना चाहिए था लेकिन एक साइड पे ये मदर के अपनी जो माँ है उसका भी ख्याल रखती है और कपड़े चेंज करती है हवे वर्षी लिसन्स टू हर हर्ट एंड डॉन्स ट्रेडिशनल एंड मॉडस्ट अटाई अपनी दिल की बात सुनती है और इस तरह कोई मॉडस्ट या ट्रेडिशनल ड्रेस पहन लेती है एडेप्ट हर सेल्फ टू अ मुस्लिम एशियन इन्वामेंट ऐसे लगता है कि जैसे वो अब एशिया से आई हो ठीक है अपने आप को पूरा कन्वर्ट करती है एशियन में मतलब मुस्लिम एशियन इन्वामेंट में बेक इन द लिविंग रूम फातमा ट्राइज हर बेस्ट टू इंटरटेन हर गेस्ट बट नोट नोज एज द गेस्ट रूम एन अब फातमा क्या करती है जो यानी जो उसकी माँ है मरियम की वो उसने खुश करती है किसी तरह जो उसके ससुराल वाले हैं लेकिन उसके ससुराल वाले डिसप्लीज है मीन्स ना खुश हैं डिस्प्लीज का मतलब है ना खुश एंड एज सुन एज मरीम इंटर्ज द लिविंग रूम देयर फ्यूचर इन लाज इंसिस ऑन लिविंग एंड इवन मोर नॉट इवन बॉदरिंग टू ईट एनी थिंग और जैसे ही मरियम इंटर होती है अपने ससुराल वालों से कहती हैं कि आप कुछ खाए पिए लेकिन उसके जो ससुराल वाले हैं वो आगे से कहते हैं कि आपको बोतर करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है बैक एट दियर ओन होम बेगम एंड अयूब द इन लाज ऑफ मरियम आर कन्फ्लैक्टेड एंड डाउटफुल अबाउट द वेडिंग दैट वॉज अब जब यहाँ से शीन शिफ्ट होता है इनके घर से सीन शिफ्ट होता है तो बेगम और अयूब यानी यो मियाँ बीवी अब वापस अपने घर आ गए हैं और मरियम के बारे में डिस्कशन करते कि मरियम तो ऐसी लड़की थी मरियम की ड्रेसिंग ऐसी थी तो कंफ्यूज रहते हैं खैर अब आगे क्या होता है सपोज टू हैपन सून बिटवीन देयर सन फारूक एंड मरियम एज दे वर इन ग्रेट शॉक टू सी मरियम इन वॉट वेस्टर्न आउटफिट तो वो कहती है कि हमारे बेटे फ़ारूक के लिए ये लड़की सही है या नहीं है और उसका जो आउटफिट था वेस्टर्न आउटफिट उसने जो पहना था तो उसे बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगा मतलब किसको बेगम और अयूब को और ये अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की नहीं चाहते थे एंड तर्स फॉर देम मरियम नो लॉन्गर रिप्रेजेंटेड अ डॉटर इन ला एम्बोर्डिंग द क्वालिटीज़ ऑफ फीमेल मॉडेस्टी और इस तरह इनको पता चला कि जो मरियम है उसके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है कि वो किसी की बहू बन सके सून आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन दे डिसाइड टू ब्रेक ऑफ द मैरिज बिटवीन देयर सन एंड मरियम अब इन दोनों के दरमियान यानी एयूब और बेगम के दरमियान फारूक के जो पेरेंट्स है अयूब और बेगम के दरमियान एक लॉन्ग डिस्कशन के बाद वो ये फैसला करते हैं कि भाई मरीम के साथ मेरे बेटे की शादी नहीं हो सकती एट मरीम्स हाउस दे रिसीव अ फोन कॉल फ्राम बेगम अब मरीम के घर जो है वो रिसीव एक कॉल जो है वो रिसीव करते हैं हु इन्फॉम्स फातमा अबाउट देयर डिसीजन तो बेगम जो है वो फातिमा को यानी जो मरीम की माँ है उसको इन्फॉर्म करती है अपने फैसले से बेगम चूजिज़ टू नॉट रिवील द जेनवन रीज़न बिहाइंड द ब्रेकिंग ऑफ द मैरिज वो ये नहीं बताती कि उन्होंने ये शादी क्यों तोड़ी लेकिन वो इतना बता देती है कि भाई हमने अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से नहीं करना है अ फोन हेरिंग दिस मरियम एंगली गोज ओवर टू हर रूम एंड शट्स द डोर ये सुनते ही मरियम ऊपर चली जाती है और दरवाजे को बंद करती है शी हंगली और ये ऊपर जाके अपने जो पेयर ऑफ़ जीन्स है उसको किक मारती है उसे हैंगर से उतार के उसे किक मारती है और अपने साथ ये बात करती है कि तुम्हारी वजह से मेरा जो रिश्ता है वो मतलब टुकरा गया मतलब जिसके साथ मेरी शादी होनी थी तुम्हारी ये जीन्स की वजह से जो है मेरा रिश्ता जो है कैंसल हो गया है तो यहाँ पे दोस्तों स्टोरी के किस्म की एंडिंग हो जाती है ठीक है कि मरियम जो है अपने जो आ, फेयर ऑफ जीन्स हैं जो जीन्स हैं उसको किक मारती है और ये कहती है कि इसकी वजह से मेरा रिश्ता जो है टूट चुका है आफ्टर मच कंट्रीब्यूशन फाइनली लिसनिंग टू हर रिबीलियस माइंड दैट सेट अ डिसीजन फ्रॉम हर इन लॉज इज़ क्रूल एंड अनफेयर अब अगेन इसके माइंड में कुछ और आता है कहती है कि यार ये जो फैसला इसके इन लॉज ने किया है ये बिल्कुल गलत है और ये अनफेयर है मरियम स्लाइड्स डाउन द स्टेयर्स एंड स्टार डायलॉ डायलिंग फारूक अब नीचे आती है और फारूक का नंबर मिलाती है एज ही फिक्स अप द फोन फ़ारूक जो है कॉल उठाता है सोन मरीम रियलाइज दैट हिज पेरेंट्स है डिसीशन विदाउट कंसल्टिंग फारूक एंडी डिसाइड्स टू मीट अप विद हिम तो मरीम को ऐसा लगता है कि इसके जो पेरेंट्स हैं यानी फारूक के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने फारूक से पूछे बगैर उसका रिश्ता कैंसिल किया है तो वो डायरेक्ट जो है फ़ारूक से अब कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ अब फातमा यानी जो मरियम की माँ है वो सब ये सब कुछ सुन रही होती है मरियम व्यम को वॉन करती है आगा करती है उसे वॉन करती है दैट दिस वॉज नॉट द राइट थिंकिंग टू डू दाइट थिंग टू डू कि ये एक अच्छा नहीं है कि आप इस तरह करो उससे जाके मिलो बट अल्टीमेटली कंकर्स विद हर डॉटर्स ओपिनियन शी रियलाइज दिस्टेक एंड मिस्टेक बिगम एंड एंड मेड बाई जल्टिंग हर डॉटर लेकिन वो अपने माँ की नहीं मानती और इस तरह वो चली जाती है उससे मिलने के लिए मरियम गोज़ बैक टू हर रूम एंड क्विकली चेंज हर आउटपिट फॉर बीटिंग फ़ारूक और ये ऊपर जाती है और डायरेक्ट जो है फिर अगेन से वो जीन्स पहनती है और इस तरह वो जाके फ़ारूक से मिलने चली जाती है बट फातमा इज़ वनस अगेन लेफ्ट इन शॉक सेज़ दॉल एंड प्राउडली स्टैंडिंग मरीम ए डॉरिंग अ पेयर ऑफ फेडिड जीन्स एंड अ शॉर्ट जैकेट फातमा यानी मरीम की माँ हैरान हो जाती है कि मेरी बेटी ने तो फिर जीन्स पहन लिया और अगेन फारूफ़ से मिलने जा रही है सो so दोस्तों यहाँ पे जो है हमारी स्टोरी की एंडिंग होती है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और हाँ अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा आप में से ज़्यादातर लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते नेक्स्ट वीडियो में हम इस शॉर्ट स्टोरी के थीम्स और लिटरी डिवाइस साथ में जो इस शॉर्ट स्टोरी को एनालाइज करेंगे ठीक है तो स्टेट ट्यून विद चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ टेक केयर अपर सर